हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब होंगे बहुत बढ़िया। दिल्ली में मेले लगते रहते हैं, जगह जगह पर जो है ना फिश एक्वेरियम का मेले बहुत लगे। तो आज मेरे घर के पास ही लग गया था, कुछ टाइम पहले ही लगा मेरे घर के पास, तो यहाँ तो आना बनता था, थोड़ा लेट हो गया लेकिन आ गए। मैं आपको लेकर आया हूँ समर कार्निवल दिखाने, जो कि विवेक विहार दिल्ली में लगा है। आप कैसे बोल सकते हैं, मेला कब तक चलने वाला, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी टिकट प्राइस के साथ। चैनल बनने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना भूलना नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख पा रहे हैं मेला जो है ना डीडीए ग्राउंड विवेक विहार में लगा है, रामलीला ग्राउंड है, काफी फेमस, बिल्कुल अपोजिट है विवेक विहार थाना के सामने, काफी फेमस जगह है। और अगर मेट्रो से आप, पार्किंग तो आपको यहाँ अवेलेबल है ही, अगर आप मेट्रो से आना चाहते हो तो मानसरोवर है एक, तो उसके अलावा आप कड़कड़डूमा भी उतर सकते हो, डिपेंड करता है आप कौन सी साइड से आ रहे हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आ सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। मेला जो है शाम को 5 बजे के करीब स्टार्ट हो जाता है और 11-12 बजे तक चलने वाला है। तो दोस्तों, टिकट एंट्री और उसकी बात करूँ तो आपको यहाँ से मिलेगी, और जो है ना बाहर ही मेले की एंट्री फिश टनल के लिए आपको 100 रुपये खर्चने होंगे। मेला एंट्री प्लस फिश टनल दोनों के लिए 100 रुपये है। खाली मेले में जाना चाहते हैं, फिशिंग टनल नहीं जाना चाहते तो 30 रुपये। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट टनल, फर्स्ट लार्जेस्ट टनल है भाई। तो ये देखो यहाँ से जो है अंदर जाएंगे, फिश यहाँ से शुरू होने वाली है। राघव को साथ लेके आया था दिखाने के लिए कि चल थोड़ा खुश होगा, सो ही गया। ओए भाई, यहाँ से देखो ये पूरी टनल बनी, कितनी खूबसूरत लग रही है, बढ़िया थी, आपको मस्त कूलर लगा रखा है हवा के लिए, बहुत सही लग रही है टनल। मतलब अगर जो मैं उसके हिसाब से उतारा हूँ, ये इंटीरियर जो बनाया गया उसके हिसाब से मुझे अच्छी लग रही है, जो द्वारका वगैरह में भी देखी थी उससे कहीं साफ सुथरी नजर आती मुझे टनल, तो इस दिल्ली में तो बढ़िया लगा दी इन्होंने भाई। अच्छा ये देखो यहाँ पर एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी, यहाँ पर अभी तक मैंने दो जगह की मैंने डाली थी, कहीं पे भी नाम नहीं लिखे थे, यहाँ पर एक चीज और अच्छी लगी, यहाँ पे नाम लिखे हुए फिश के, देखो येलो पैरेट रेड पैरेट, यानी कि इसमें मिक्स है रेड कलर की और येलो कलर की, नहीं येलो रेड पैरेट कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज कही गई है, पहले जितने मैंने देखे, और ये साफ सुथरा बहुत है, लाइटिंग भी बड़ी अच्छी थी तो कैमरे में भी क्लियरिटी नहीं आती थी कुछ कुछ का नाम, यहाँ पर इसका तो नहीं नाम लिखा, बट यस आगे नाम लिखे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये ब्लैक फिश है, नाम भी देखो ब्लैक कलर के, बिल्कुल भाई बहुत नीट एंड क्लीन कर रखा है इसका वाटर भी ना, कि बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, बेहतरीन सही में। तो हो गया था तब उठ गया, ज्यादा फिश दिखी उठ गया, रेड वेलवेट की कुछ सुंदर लग रही है, देख रहे हो, और व्हाइट कलर की डोर कितनी खूबसूरत लग रही है सर, कितनी सुंदर है। हैपीनो शार्क व्हाइट कलर की, सिल्वर सी लग रही है, व्हाइट कितनी खूबसूरत है, ये भी बहुत सुंदर है ये वाली, तो ये तो सुंदर लग रही है भाई, ये तो बनता है मेले में, आपको एक बार आना है दिल्ली में जाते तो बहुत बढ़िया बना रखा है और नाम दे रखे दोस्तों। एक इधर भी है ये वाली, इनका नाम तो नहीं दे रखा लेकिन ये भी बहुत बढ़िया लग रही है, देखो क्लोज अप पर देखो टिन फॉयल बार, नाम भी दे रखे मुझे सबसे सही लग रहा है। ओ भाई बहुत सुंदर यार, तो मुझे अच्छी लगती है बहुत, कलर फुटो भाई साहब, छोटी सारी यहाँ तक एक हजार डाल दी जा रहे हो, देखो आपको ऐसे धीरे धीरे बना चल रही है। एसके गोल्ड आपको दिखाता हूँ भाई साहब, ये भी अच्छी लग रही है मुझे तो बहुत, जो ऑरेंज व्हाइट कलर सिल्वर कलर कलरफुल वाली जो है ना वो ज्यादा मस्तेदार थोड़ा सा लगता ही है जैसा होता है, क्योंकि कलर आप देखो छोटी वाली को, एक छोटी सी भी है सुंदर, तो कलरफुल होती है, कलर रंगीन चीज अच्छी लगती है ना, उसी टाइप से यहाँ पर भी आपको कलरफुल मछली है वो ज्यादा सुंदर लगने वाली है, वो वैसी बात है। इंडोनेशियन टाइगर भी है भाई यहाँ पे, ये इंडोनेशिया वाली लग रही है व्हाइट से कलर, टाइगर ऑस्कर टनल में गर्मी ना लगे ना, इसलिए देखो एक कूलर लगा रखे, अच्छी आ रही है, पास खड़े हो जाओगे तो एल्विनो ऑस्कर है, ये अच्छी लग रही है ये भी, और अभी ये टनल खत्म हुई है, आप अभी सोचो तो अभी देखो आगे। रेड डेविल ये डिस्कस फिश है, शेप उसकी थोड़ी वैसी है, बढ़िया वो देखो, वाह अलग मस्त एकदम,
ओ ये बड़ी सी तो ये देखो यहाँ पर एक बार आ गई। कुछ में आपको मोस्टली तो नाम मिल जाते हैं, कुछ में नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं। सुंदर सुंदर है, काफी क्लोजर से देखोगे तो आप। जी क्लिट क्लिट लाइट अच्छी है ना ऊपर, जो है लाइटें देख रहा है, अलग अलग चीजें देख रहा है। मतलब ऐसी जगह पे वो अब दूसरी बार बाहर निकला है, क्रिकेट रिजॉर्ट के बाद गया था रिजॉर्ट में। साइड से हो गई है, एक साइड की हो गई, दूसरी साइड आ गए। अभी यहाँ पर देखो आपको क्या मिलने वाला है, ग्रीन सेनेगल वेरी अंदर बैठी हुई है, अभी चल रही है और मी तो ये देख रहे क्या कर। ये वाली देखो दोस्तों फ्लावर होंगे बड़ी सही है, अलग से अलग से पर इसके वो उनका बना हुआ है यहाँ पर अलग सी लगी। ओ सॉरी भाई, मछलियाँ बहुत होती है ना पहले, देखोगे ना आप अलग अलग टाइप की, अलग अलग शेप की, छोटी बड़ी आपको सब दिखने वाली है। यहाँ पर देखो लॉबस्टर है, सही नजर आ रहा है। ये नीचे देखो लॉबस्टर मेडिसन है, मून टेल मोली देखो, मून टेल मोली भाई ये देखो, ये देखो छोटी छोटी बिल्कुल छोटी सी है, बिजली सी देख रहे हो आप, रुकती कितनी सही लग रही है। ये वाली रॉयल नाइफ बहुत गरीब मने वैसे छोटे छोटे स्टॉल के अंदर, जहाँ आपको डिफरेंट वराइटी की बहुत सारी मछलियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कंपनी देखो कैट जो आगे तक मूर्ति देते हैं, कोई फोटो की जाने अभी देखो शार्क, बड़ा मजा आ रहा है भाई यहाँ पर। अभी भीड़ भी नहीं है तो भाई सब ये है पाकू पाकू, इसे देखो लो भाई सब तेरे कैमरे में नहीं आ रही, पीछे कर मोबाइल को ये सही है। कुछ और दिखाते हैं अब आपको, इसका नाम नहीं बता रखा बट देख सकते हो आप, हर उसमें आपको कुछ अलग देखने को मिल रहा है। ये कोई फ्लावर टाइप की इसमें कलर है, कोई फ्लावर होने वाली है, कलर अलग है वो ऑरेंज थी है ना। टाइप से आपको यहाँ कुछ बहुत सारी मिलने वाली है, देखो यहाँ पर है ब्लैक कोस्ट भाई सब बहुत आ गया और एक लगी रही है इतनी कुछ। अच्छा ये लास्ट मैंने देखी थी, मेरे को अच्छी लगी थी, इसका नाम नहीं पता था, देखो इतनी पतली सी है भाई सब कागज, ऐसे लग रहा था कागज कोई कंपनी आपको पत्तियाँ ऑर्डर रही हो। रेड टेल कैट वो भाई ये देखो विशाल काय मछलियाँ, फ्रंटोसा ये भी अच्छी लग रही है, ऑरेंज वाली और वो जो लाइने वाइने उसकी बनी हुई वो भी अच्छी है काफी। प्लैटिनम एलिगेटर ये देखो भाई साहब इसका साइज, एक छोटी सी घूम रही है, छोटी सी इसके साथ बिल्कुल दिखाने को जा रखी है। अगले राउंड में चलते हैं, एक राउंड और आ गया ऊपर आ गया। तो ये वाले टनल देखो, इसमें तो जो है ना आपको विस्टा ड्रोम जैसा हो गया, ऊपर नीचे दोनों तरफ मछलियां मछलियां नजर आने वाली हैं, देखना कितनी बड़ी बड़ी मछलियां यहाँ पर घुसते ही दोनों तरफ। इसको देखो सफेद वाली फिर से, इसमें बड़ी बड़ी दाल रखी है, ऊपर भी नजर आ जाएगी अभी कोई घूमते हुए। ये देखो इधर और भी ऊपर देखो, यहाँ से ऊपर भी नजर आएंगी आपको, ये इसमें पूरे में घूमती रहती है, इसमें खुला हुआ है ना, ये इतना बड़ा एरिया बना रखा है इनके लिए, पीछे से होके भी यहाँ चली जाएंगी। अभी ऊपर नजर नहीं आ रही वरना ऊपर भी आ जाती है, देखो कितनी बड़ी है। इस खाने में आपको नाम नजर नहीं आएंगे लेकिन फिश कुए देखो ये वाली भाई सब बड़ी वाली जो होती है ना फुल बड़ी अच्छी अच्छी साइज की मछलियाँ देखो देखो आ गया तो और मछलियाँ फुल भरा हुआ है फुल। अरे यहाँ भी नाम लिखा हुआ है, सही है थोड़ा सा यहाँ का क्लियर नहीं है, क्लीन नहीं है बट यहाँ पे पानी ज्यादा है और बड़े बड़े वो होते हैं तो अच्छा ए सी कूलिंग कर रखी है फुल बढ़िया वाली नीचे तो हाँ यार।
पूरा झुंड है एक अलग है। इधर भी फेमस जायंट गोरामी। तो भाई बाहर आ गए, खत्म हो गए टनल। देखा बड़ी थी काफी, अब तो मेले में आ गए। नॉर्मल मेला जैसा होता है वो होगा, जैसे यहाँ पर कुछ प्रोग्राम वगैरह हो जाएंगे। अब आपको कुछ स्टॉल दिखाते हैं, चलते हैं। ये शॉपिंग के लिए हो गए आपके जैसे। तो यहाँ पर आपको रिंग गेम वगैरह मिलेगी जो आप यहाँ जीत सकेंगे, और भी बहुत कुछ है। बॉल वाली गेम हो जाती है, बहुत सारी गेम क्या मिलती है। स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, मैं आपको एक फटाफट से टूर करा देता हूँ। मेन तो होता है ना एक्वेरियम का मजा है इन मेलों में, तो इसलिए मैं एक्वेरियम पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। बाकी ये देखो ये कपड़े वगैरह भी मिल रहे हैं आपको, सेल लगी है 50 रुपए में भाई, अंदर 100 रुपए और 200 रुपए में लेडीज टॉप दे रहा है। इधर जो है आपको क्रॉकरी की सेल लगी हुई मिल जाएगी, 30 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, अलग अलग रेट रहते हैं। ये देखो इधर गोपल वगैरह मिल रहे हैं, ये 20 रुपए में दे रहे हैं सब कुछ, जो मर्जी ले लो 20 रुपए दिमाग का है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना आपको मैं झूले दिखा देता हूँ एक बार, और ये जो है सारा का सारा तो शॉपिंग का होगी। आपको एक राउंड झूलों का करा देता हूँ। देखो भाई यहाँ पर जो है ना झूले बच्चों के हो गए, ये वाले, ये जैसे ट्रेन हो गई, ये छोटी छोटी ट्रेन। रेट पूछ के मैं आपको बता देता हूँ क्या रेट है जी झूलों का, 50 रुपए। ये देखो छोटे झूले 50 रुपए हैं, बच्चों वाले जो झूले हैं ना 50 रुपए रहने वाले हैं। बड़ों वालों में जो लिखा है 100 रुपए लिखा है। देखो ये बढ़िया बहुत झूले मजेदार है। ये इधर जो है देखो जॉइंट भी है, ठीक है, हर मेले की शान। एक जॉइंट भी है और कोलंबस उसी के साथ ही होगा वो भी, इस टाइप से बच्चों के झूले। बड़े वाले जॉइंट व्हील का 80 रुपए लिखा है, उस वाले का तो था 100 रुपए रहने वाला है, वो और बड़ा हो जाता है क्योंकि। ये देखो बच्चों के लिए हो गया प्लेन टाइप, इसको डांस भी है यहाँ पर 80 रुपए। जॉइंट व्हील 100 ही है भाई, 80 रुपए ये है। और ये आपका हो गया शूटिंग गेम, इसका भी आनंद आप ले पाओगे। झूले तो आपको दिखाई रहा हूँ 100 रुपीज। इसके अलावा ये 60 रुपए का बच्चों के लिए हो गया। भूत बंगला भी है भाई यहाँ पर 50 रुपए। भूत से डर लगता ना हो तो अंदर जा सकते हैं, अंदर तो बच्चों के लिए बोटिंग मिल जाएगी आपको। सुपर ड्रैगन ट्रेन भी है भाई यहाँ पर 80 रुपए लिखा है। इस तरीके से कुछ आएगी अभी यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। उसके साथ और भी वो टिकट आ गया है, वो टिकट आ गया ये भी आपको मिल जाएगा। घोड़े वाला क्यूट सा होता है, चलता घोड़े एक ये बड़ी ड्रैगन है, ड्रैगन बड़े वाला, इसका रेट लिखा है यहाँ पर देखो 60 रुपए, मतलब यानी कि 50, 60, 80 और 100। और ये 80 है सामने, तो इस टाइप से आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर झूले ना। ये 80 रुपए लिखा था हमने जो है। तो उधर देखो सामने ये उधर जॉइंट व्हील के साथ तो कोलंबस पानी इधर है। ये होते दो भाई इकट्ठे असली भाई मेले के भाई बहन जॉइंट व्हील फुल कोलंबस। एक सामने देख लो झूला हो रहा, उसका भी 80 रुपए है। काफी झूले लगे हैं, मतलब मेरे को लग रहा है 20-21 होंगी राइड यहाँ पर आपको आराम से। वैसे भी ग्राउंड बड़ा फेमस है, रामलीला ग्राउंड है विवेक विहार का, ये बड़ा फेमस है। यहाँ पर हम रामलीला की वीडियो बनाते हैं और काफी बढ़िया रामलीला भी होती है यहाँ पर। यहाँ मेले जो लगते हैं वो थोड़ा अच्छे ही लगते हैं वैसे। ये लगा हुआ यहाँ पे चटकारा कैटर का, कितना बड़ा ये देखो, बैठ के यहाँ पे आप खा सकते हो, बहुत बड़ा है ये। यहाँ पे जो अगर रेट प्राइस वगैरह दिखाओ ना आपके, इन्होंने यहाँ लिखे हुए हैं छोले भटूरे 100 रुपए, पावाजी 100 रुपए, 100 रुपए, और अलग अलग रेट आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, मतलब मैक्सिमम 150 रुपए काटी रुमाली, तो रेट भी ठीक है एरिए के हिसाब से। बैठ के अपना खा पी सकते हो, पंखे वगैरह लगे हुए, गर्मी तो है देखो यहाँ पर। और छोटे मोटे स्टॉल साथ देखोगे तो जैसे सूखी वगैरह के हो गए, फ्रूट के हो गए, ये लगे हुए हैं, बर्फ गोला, इधर गेम्स हो गई। तो ये सारी चीजों के रेट हम नहीं बताते, इसमें कोई इवेंट बड़ा होता है ना ट्रेड फेयर लाइक, उसमें तो रेट बताने का फायदा होता है। बाहर निकलते समय पान का ट्राई कर जाना भाई। ये एग्जिट है,